गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और अभी इस वक्त मैं हूँ लॉन्गवा विलेज में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं शाम को यहाँ पे करीब आ गया था, साढ़े चार बजे करीब मैं यहाँ पे आ गया था कल शाम को। ठीक है, वो टैक्सी लेके जो सूमो चलती है ना, कि लोकल सूमो, उससे आ गया था और यहाँ पर रुका था ये इन भाई साहब के घर में। बताया होगा आपको, यहाँ पर मैंने टेंट वेंट लगाया था। तो रात को कल शाम को बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, तो इस वजह से फिर मैं टेंट वहाँ ले गया वहाँ पे। फिर वहाँ से ले जाने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा तेज हुई, तो भाई साहब कहते कि आप अंदर ही आ जाओ। तो फिर मैं अंदर से आया था, यहाँ पर मेरे पास स्लीपिंग बैग है, मैं वो लेके आया था। तो फिर मैं बस अपने स्लीपिंग बैग में अंदर सो गया था। अभी तो सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं छः बज रहे हैं इस वक्त। और आप बाहर का नज़ारा देख लो कैसा है, ये देखो बिल्कुल धुंध ही धुंध है भाई, धुंध ही धुंध है चारों तरफ, देख रहे धुंध ही धुंध है। तो धुंध पड़ रही है और बस अब देखते हैं, 7 बजे निकलूँगा मैं यहाँ से। तो थोड़ा बहुत देखता हूँ, अभी इस वक्त सुबह जाके घूम फिर के आता हूँ, कोई व्लॉग व्लॉग शूट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। और देखते हैं अभी चाय ढूँढता हूँ, देखते हैं चाय मिलती है कि नहीं, चाय की कोई दुकान वकान है या नहीं। वैसे तो मुश्किल ही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। तो चलो फिर मिलता हूँ आप लोग को थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है, इस साइड से ना। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये देख लो आप लोग को मैं दिखाना चाह रहा था, ये देख लो, ये म्यांमार का फ्लैग है और ये अपने देश का इंडिया का फ्लैग है। तो ये देखो, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सेजिंग म्यांमार, सेगेंग म्यांमार, और ये मेघालैंड इंडिया, नागालैंड इंडिया। ठीक है, ये जो है ना, ये डिवाइडेड है, इतना ये बीच में से डिवाइडेड है, आधा आधा म्यांमार में और आधा क्या कहते हैं इंडिया में है। जो म्यांमार साइड है वो सेगेंग डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई सेगेंग स्टेट होगा, और ये नागालैंड स्टेट में। तो ये है, देख सकते हो तो भाई साहब गाड़ी धो रहे हैं अपनी। इसी सूमो में जाना है मेरे को, तो 7 बजे करीब निकलेंगे, 7:30 बजे के करीब निकलेंगे, फिर हम जाएंगे। हाय, चलो फिर अंदर चल रहा हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, किचन विचन दिखाता हूँ आप लोग को, और अंदर की तरफ से मैं दिखाता हूँ। वैसे अंधेरा होता है यार यहाँ पे, दिखता नहीं है कुछ भी, देखते हैं आगे। आ सकता हूँ क्या मैं, आ सकता हूँ ना, घूम सकता हूँ? हाँ ठीक है, थैंक यू। ये है, ये यहाँ का किचन है भाई। ये आपका फैमिली है, आपकी फैमिली है ये? ओके, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये इनकी सर की फैमिली। आपका नाम क्या है सर? योर नेम, व्हाट्स योर नेम? लॉन्गशा। ओके, सो यू आर द सन ऑफ किंग, आप राजा के बेटे आप हो? नहीं, कौन है वो, कौन है जो किंग का बेटा यहाँ पे? किंग का बेटा है छोटे वाला, ये छोटे वाला है। ओके, तो ये है, ये यहाँ का ऐसा किचन है, चाय वाय बन रही है इनके यहाँ पे, और तो ऐसा कुछ है। हाँ यार, और हाँ यार, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि यहाँ पे ना नागालैंड में जो ज़्यादातर है ना, 90% लोग जो है ना वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप जहाँ भी कहीं जाओगे ना, तो आपको सिर्फ चर्च ही मिलेगा, चर्च होगा, और मतलब ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन ही होते हैं, और अदर रिलीजन के लोग बहुत कम हैं। हिंदू मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, ये सब थोड़े बहुत हैं जो आउटसाइड से आए होंगे, बाहर से आए होंगे वही होंगे, और इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहता था। और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ चाय की दुकान है कोई, ढूंढ रहा हूँ, और फिर देखते हैं क्या पता है चाय वाय मिल जाए तो फिर पी लेंगे, फिर आप लोग को भी दिखा दूँगा। नो एंट्री विदाउट परमिशन, वहाँ पे लिखा है नो एंट्री विदाउट परमिशन, तो उधर हम जा नहीं सकते। तो फिलहाल नीचे की तरफ जा रहा हूँ, फिर देखते हैं आपको।
है भाई साहब पीछे हैंडपम्प। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या? हाँ नाम अपन। अपन रोटी ठीक कर रहे हो? ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी ऊपर से नदी। मैं कल ही आया। क्या करने गए? मैं घूमने टूरिस्ट यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। अच्छा 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 करता है ब्लॉगर करता है मैं चंडीगढ़। हाँ हाँ अभी कहाँ जाना है? तो अभी अब तो वापस जा रहा हूँ, मौन जा रहा हूँ मैं। आज जाएगा? हाँ आज ही सुबह उसका साथ निकल जाएगा। मैं चाय साहब पे ले आते हैं। हाँ नहीं चाय चाय की दुकान ढूंढ रहा हूँ मैं। चाय का दुकान उधर में है? इधर नीचे की तरफ। हवा से हवा का चंक्शन है ना इधर में। कितना दूर है वो? ज़रा दूर नहीं है वो, पहुँच जाएगा वो। ये तीनों खड़े है ना यहाँ पर दिख गए इधर की तरफ दिख जाएगा। चलो ये आपका गाँव ये आपका घर? मेरे का ये घर नहीं बनाया। अच्छा अच्छा कल काम का घर में वहाँ से पीछे यहाँ पर है ना से। अच्छा जो वो पूरा घर है आधा आधा बर्मा में और आधा इंडिया में? महिमा आता है ना इंडिया आता आधा इसे। हाँ वो दिखाया मैंने। पर वो जो जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं ऊपर से ना ये दिखा ऊपर से दोनों दिखेगा अभी ऊपर वाला। हाँ हाँ ऊपर वाला जमी से पूरा अच्छा का दिखेगा पूरा दिखेगा पूरा दिखेगा। कितना देर में जा सकता हूँ ऊपर? अच्छा अच्छा अभी भी जा सकते हैं गाड़ी से ना। बाई ट्रेन से जाने से तो वेट हो जाएगा वो गाड़ी से ना। नहीं गाड़ी से अब तो मैं जा ही रहा हूँ। अब तो सुबह 7 बजे मैं जा रहा हूँ सुबह लेके। कितना आदमी है? अकेला? मैं अकेला हूँ घूम रहा हूँ। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो और तो कोई आया नहीं? कल परसों आया? नहीं कल आया, कल शाम को आया मैं। ठीक है ठीक है। ये आपका घर ना? हाँ हाँ मेरा। ये आपके बच्चे हैं? बच्चा है। ये क्या नाम है तुम्हारा? ये दूसरा का है। ये दूसरा का? अरे वो तुम्हारा बच्चा है? नालक। नालक मेरा का। अच्छा चलो अच्छा है। चलो ठीक है ठीक है। मैं चाय पी के आता है। थैंक यू थैंक यू। ये भाई साहब रैंडमली मिल गए। चाय वाला दुकान का है ना? हाँ हाँ इन लोग को पूछ। अच्छा इन लोग को ये लाके आया ना इसको पूछ के यार। चलो ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। तो ये भाई साहब रैंडमली मिल गए, बातें बातें करने लगे तो बता रहे थे कि म्यांमार का वो आधा जो हाउस है वो। एक मिनट मैं चाय पीने जा रहा हूँ। वो भाई साहब मिल गए तुमसे बात हुई। ये चाय की दुकान आ गई है ना? आ गया। तो वैसे बातें बातें करने लगे उनसे। मैंने पूछा कि चाय की दुकान कहाँ है? तो वो कहते कि आगे की तरफ है। तो अभी जा रहा हूँ। नाम क्या है आपका? नीलाय। सॉरी नीलाय। नीलाय क्या करते हो आप? दुकान दुकान खुली है। आप ही की दुकान है चाय की? नहीं नहीं। अच्छा कपड़ा। अच्छा कपड़ा की दुकान है आपकी। अच्छा है। तो इनकी इनका नाम नीलाय है और ये इनकी कपड़े की दुकान है। अच्छा है। यहाँ पे लेडीज़ लोग ज़्यादातर शॉप वगैरह करती हैं ना? शॉप चलाती हैं। और क्या क्या काम करती हैं मतलब लेडीज़ लोग? किचन किचन प्लस नहीं नहीं और किचन तो बर्मा साइड के से। अच्छा का सामान हां अब चला दुकान खुला नहीं है? खुला नहीं है? खुला नहीं। ओ वो जो ग्रीन वाला जो है वो ले लाला। चलो कोई बात नहीं मैं घूम लेता हूं वैसे ही। कितने बजे खुलता है कोई आईडिया होगा? वैसे 7 बजे खुलेगा। ओके तो अभी तो 6:35 हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 7 बजे दुकान खुलती है और अभी 6:35 हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं देखते हैं वेट करेंगे। मैं तो जब तक मैं ये गांव घूम लेता हूँ और फिर चाय पीने को मिली तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये वाली दुकान थी भाई शायद चाय की ना? ये बंद है ना चाय तो? ये वाला वो वाला आधी वाला वो पीछे है। चाय की दुकान बंद पड़ी है भाई। ये दुकान है वो कपड़े की दुकान। ये राशन की दुकान है ऐसी कुछ है। व्हाट आर यू सेइंग? क्या बोल रहे हो? ये देखो यहाँ पे ये वाला। ओके ये है इनकी कपड़े की दुकान ये वाली। और ये ऐसा सा घर है। घर तो दिखाए होंगे मैंने आपको।
ये देख लो, अभी दिखाता हूँ आप लोग को ना, शॉप वगैरह दिखाता हूँ कैसा। ये जो देख रहे हो ना, पूरी मार्केट है, यहाँ से ले लो वहाँ तक पूरी दुकान ही दुकान है। पर सुबह 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 एक दो दुकान ही खुली है, तो ज़्यादा दुकान है नहीं। और ये कपड़े की फिर देखते हैं, थोड़ा बात बात करते हैं, थोड़ी फ्रेंडली सी लग रही है, फिर से गप्पे वप्पे मार लेंगे, थोड़ा ब्लॉग बन जाएगा, कॉन्टेंट बन जाएगा। ये लेडीज के कपड़ों की ना शॉप है। ये क्या लड़कों का है लड़कियों का है? लड़की लड़कियों का है। लड़कों का नहीं रखते आप? असे दूबी रखते हो लड़के का? पिथौर में। ये ऐसी दुकान है, इंडिया वाला सामान नहीं है, बर्मा वाला। बर्मा वाला सामान है? नहीं, इंडिया का सामान। इंडिया का है, नागालैंड का ही सामान है ना। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो बर्मा का सामान है ना, बर्मा का नहीं है, इंडिया का ही है सारा कुछ, नागालैंड का। रुको दिखाता हूँ आपको, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज ये? टॉवल। ओके, टॉवल टॉवल टॉवल। हाउ मच, कितने का है ये टॉवल? 50 रुपीज़। हाँ 50, और पीटी थे 600। 600 हाँ, सब के 600। ओके, सारे का 600। ये एक ना, एक टॉवल जो 50 रुपये का है, और ये पूरा 600। बर्मा मतलब? बर्मा मानुखल्ले। बर्मा से लेके आए? बर्मा से लेके आए नहीं, इंडिया ला से ले, बर्मा के दी, बर्मा के लिए। बर्मा के लोग यहाँ पे लेने आते हैं? ये अच्छा, ये बर्मा के लोग? बर्मा के से। ओके, ये कह रहे हैं ना कि ये इंडिया का सामान है, बर्मा के लोग लेने आते हैं। ओके, अच्छा ये जो लोग हैं ये बर्मा के हैं? ये लोग, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लोग खड़े हैं, ये बर्मा से आए हैं, म्यांमार से। यहाँ मतलब यहाँ पे ना शॉपिंग, म्यांमार से भी लोग आते हैं शॉपिंग करने। आए आए अरे स्लीपर्स कैसे, ये लड़कों का है कि लड़कियों का है? लड़का लड़की सब। लड़कों का स्लीपर दिखाना कोई। अच्छा ये कितने का है? 250। मुझे एक टॉवल दे दो फिर, मैं ये ले लेता हूँ। एक टॉवल ओपन करके दिखा सकते हो? ओपन करके कैसा है? ठीक है दे दो। ये बर्मा का लोग है? ये बर्मा के लोग शॉपिंग करने आए हैं। घर में? अच्छा आप लोग के घर में फ्री में रहने देते? ओके, ये कह रहे ना कि जो बर्मा के लोग हैं ना, उनको एक दिन लगता है आने में, और क्या कहते हैं, यहाँ पे आके ये लोग रहते हैं, फिर शॉपिंग वॉपिंग करते हैं और शायद चले जाते हैं, तो फ्री में रहते हैं, फ्री में रहने देते हैं, जो मैं भी फ्री में ही रह रहा हूँ। ये जगह वैसे ऐसा लग रहा है ना कि ये फॉरेन कंट्री है, मतलब कोई और देश लग रहा है, इंडिया नहीं लग रहा, मतलब ऐसा फीलिंग आता है यहाँ पे आने के बाद। नहीं नहीं जाने, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। कर ली भाई बर्मा में शॉपिंग, कर ली मैंने, सॉरी बर्मा कह रहा हूँ, नागालैंड में एक टावर ले लिया, ज़रूरत थी टावर की, फिर मैंने ले लिया छोटा सा एक टावर। और ये म्यांमार के लोग देख रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ भाई म्यांमार के लोग यहाँ पे आ रखे हैं, शॉपिंग करने आए हैं। तो भाई शॉपिंग तो कर ली, अभी वापस जा रहा हूँ, चाय की दुकान खुली नहीं है, 7 बजे खुलेगी, 7 बजे तो मेरे को जाना है, तो अब क्या फ़ायदा जाने का, ऊपर तो मैं जाऊँगा, अब ऊपर जाने का मन नहीं है मेरा। जो बर्मा के लोग हैं ना, वो एक दिन, उनको एक दिन लगता आने में, बाइक से आते हैं वो लोग, और आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं और रहते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, जरूरत का सामान वगैरह लेते हैं, और फिर चले जाते हैं।